खुश आमदीद नाज़रीन, आप देख रहे हैं बारान रहमत आज इंटरटेनमेंट और आज न्यूज़ की खसूसी सहरी नशरियात। आज हमारे साथ दो उलमाए कराम मौजूद हैं जिनसे हम रहनुमाई हासिल करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि आज के हमारे दो मौजूआत हैं, एक है लैलतुल क़द्र, दूसरा मौजू है वक़्फ़ात अमल। हमारे साथ मौजूद हैं काबिल एहतराम जनाब मुफ्ती इकबाल नक्शबंदी साहब। अस्सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आपको आज की शब बहुत बहुत मुबारक हो, और इसके साथ साथ ही आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आप कमाल मेहरबान। दूसरी जानिब हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ आलिम दीन, आप मुख्तलिफ टी वी चैनल्स पर इनको देखते रहते हैं मौलाना अमीन शहीदी साहब। अस्सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मौलाना साहब बहुत बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए, और आज की शब बहुत बड़ी शब है यकीनन आज की शब, बल्कि ये हम सबसे पहले तो ये दुआ करते हैं कि कुछ दिन पहले ही आपके भाई का इंतकाल हुआ, अल्लाह उनको गरीक रहमत फरमाए और आपको और आपके अहले खानों को सब्र जमील अता फरमाए। अच्छा मौलाना साहब, आज चूँकि शब कद्र है और ये ताक रातें हैं जिसमें हमने शब कद्र को तलाश करना होता है, इसमें एक बहुत बड़ी रात आज की शब भी है, तो मैं चाहता हूं कि इस हवाले से थोड़ी सी रोशनी डालिए प्लीज। शब-ए-क़द्र, कुरान करीम ने शब-ए-क़द्र को लैलतुल क़द्र वमा अदराक मा लैलतुल क़द्र कहकर उसकी अज़मत को बताया है कि फर्द बशर और कोई भी इंसान दुनिया में ऐसा नहीं है जो शब-ए-क़द्र की गहराइयों का और उसकी अजमतों का इदराक कर, यानी ये एक ऐसी बात है। और दूसरी जो सबसे बड़ी खुसूसियत है वो ये है कि हम आम तौर पर ये समझते हैं कि शब-ए-क़द्र की अहमियत इसलिए है कि अल्लाह तबारक तआला ने कुरान करीम को इस रात में नाजिल किया है, लेकिन ऐसा नहीं है। कुरान करीम का नुज़ूल अपनी जगह एक मकाम है, एक अहमियत रखता है, और शब-ए-क़द्र अपनी जगह, और अल्लाह तबारक तआला ने उस किताब के नुज़ूल के लिए जो क़यामत तमाम इंसानियत के लिए मशाले राह है, उस किताब के नुज़ूल के लिए जिस रात का इंतहार किया वो शब-ए-क़द्र है। एक दूसरे लफ्ज़ों में शब-ए-क़द्र इतनी अहम रात है और आसमानों के दरवाजे खुलने की रात है, रहमतों की बरसात की रात है, मग़फ़िरतों के नुज़ूल की रात है, रोजी के तकसीम होने की रात है, मुकद्दरात बनने की रात है, यमुल्लाह व युस्बित मा यशा की रात है, यानी इंसान के साल भर के तमाम तर आमाल और तमाम तर नेमतों और तमाम तर अताओं को आज की रात मुअय्यन कर दिया जाता है और बताया जाता है कि किस इंसान के मुकद्दर में क्या लिखा जा रहा है। सुभान अल्लाह। तो इस एतबार से कुरान करीम ने आज की रात के बारे में हमें इन्ना अंजलनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र कहकर पहले तो हमारी अक्ल और हमारे फहम की रसाई की नफी कर दी कि तुम नहीं समझ सकते कि ये लैलतुल क़द्र किस चीज का नाम है। उसके बाद सिर्फ हमें समझाने के लिए ये कहा कि इतना समझ लो कि ये वो रात है जो 1000 महीनों से बेहतर है। अब 1000 महीने का मतलब क्या है? तकरीबन 82 से 83 साल, यानी अगर कोई शख्स 83 इयर्स शब रोज इबादत करता है, कुरान पढ़ता है, नमाज पढ़ता है, सजदे करता है, रुकू करता है, सुजूद करता है, तो उस 83 ईयर्स के मुकाबले में अगर सिर्फ आज की रात वो अल्लाह की बारगाह में बेदार रहता है, इबादत करता है, जिक्र करता है, तौबा करता है, इस्तगफार करता है, तो आज की रात का अमल 83 साल की इबादतों पर फौकियत रखता है। सुभान अल्लाह। इसका मतलब यह है कि ये रात ऐसी है जिसका एक एक लम्हा बाकी रातों के हवाले से दिनों पर, रातों पर, हफ्तों पर, महीनों पर भारी है, सालों पर भारी है। इस एतबार से अब आप मुकाबला कर सकते हैं इन दोनों का कि जब हम किसी भी मौजू पर जब हम चाहते हैं कि बिजनेस करें, इन्वेस्टमेंट करें, तो इन्वेस्टमेंट में हमारे पेश नज़र ये होती है कि हम 10% और 15% के लिए शबो रोज मेहनत कर रहे होते हैं कि कितना हमें फ़ायदा होगा,
लेकिन ये रात वो है जिसमें 10% और 15% की बात नहीं है बल्कि परसेंटेज से बाहर की बात है कि आपको वो कुछ अता किया जा सकता है जिसका आपने कभी सोचा नहीं होगा। लिहाजा इस रात में अल्लाह की बारगाह में सर्व सजूद होना, इखलास के साथ आना, पाकिजगी के साथ आना और कुरान को सर पर रखकर अल्लाह से दुआ मांगना कि अल्लाह इस कुरान के साए में हमारे गुनाहों की बख्शिश करे और अपनी हाजात को तलब करना, ये मेरी आपकी हम तमाम मुसलमानों की खुशकिस्मती है कि अल्लाह ने ये रात हमें अता की और हमें रखा ताकि हम इस रात में अल्लाह की बारगाह में पहुंचे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत शुक्रिया मौलाना हमीद शहीदी साहब आपका। हम अब चलते हैं मुफ्ती इकबाल नक्शबंदी साहब की तरफ और फिर दोबारा आपकी तरफ आएंगे दूसरे मौजू के साथ। अभी हमारे साथ आप रहिएगा। इकबाल नक्शबंदी साहब बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद इन्ना अनज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र व मा अदराका मा लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर रूह फीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र सलामुन हिया हत्ता मतलअिल फज्र। शुक्रिया फरहान भाई, आज का बड़ा अहम मौजू है और 27वीं की ये शब है, यकीनन ये शब कदर की बाबरकत रात है। मैं सबसे पहले तो अहले पाकिस्तान को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ कि इसी बाबरकत रात में अल्लाह ने हमें ये नेमत उज़्मा यानी पाकिस्तान जैसी नेमत अता फरमाई। दूसरे मामलात में अभी आपसे ही सुना है मौलाना अमीन शहीदी साहब के बिरादर की रहलत, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए, उन्हें गरीक रहमत अता करे। तो मसला ये है कि यकीनन ये रात इज़्ज़त वाली है कि अल्लाह फरमाते हैं कि इस रात के अंदर मलाइका नाजिल होते हैं यानी रूहुल अमीन हजरत जिब्रील अमीन मलाइका के साथ दुनिया आसमान से और ज़मीन की तरफ वो जलवागरी फरमाते हैं, तशरीफ़ लाते हैं। तो ये रात बरकत वाली बन गई जिस रात में जिब्रील आए मलाइका नाजिल हूँ। मगर मुफस्सरीन किराम सूफिया किराम ने यह बताया कि जिस रात में जिब्रील अमीन आए तो वो रात बरकत वाली हो जाती है, हज़ार महीनों से अफजल हो जाती है, क्योंकि इसी महीने के अंदर अल्लाह फरमाता है शाहरु रमदान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल कुरान, हमने कुरान को रमज़ान के महीने में नाजिल किया। फिर उलमाए किराम फरमाते हैं वो शब कदर की रात है यानी ताक रातों को इसी आखिरी अशरे में तलाश करो यानी 21वीं ये शब 23वीं शब और 25वीं 27वीं और 29वीं शब है। तो इसीलिए अफजल है कि जिब्रील अमीन नाजिल हुए, मलाइका नाजिल हुए, वो मलाइका अल्लाह के हुक्म से नाजिल होते हैं, अल्लाह से इजाज़त लेते हैं। तो वो क्या करने आते हैं ज़मीन पे? तो उलमा फरमाते हैं कि वो अल्लाह की ज़मीन पर इसलिए आते हैं कि अल्लाह के मखलूक में से जो उलमा है इस उम्मत के, जो असफिया हैं इस उम्मत के, उनसे आकर मुसाफा करते हैं, उनसे मिलते हैं, तो अल्लाह से इजाज़त लेते हैं और वो मलाइका वो फरिश्ते पूरी रूह ज़मीन के ऊपर फैल जाते हैं, गोया एक रूह परवर समा होता है कि जब वो मलाइका वो फरिश्ते यहाँ पे आते हैं और आकर अल्लाह को से तो उनका मिलने का अंदाज कोई मसाजिद के अंदर इबादत कर रहा होता है, कोई एतकाफ की सूरत में बैठा है, कोई तरावी की सूरत में बैठा है, कोई खत्मुल कुरान की सूरत में वो अल्लाह की इबादत कर रहा है, तो वो फरिश्ते आते हैं आके उनसे मुसाफा करते हैं। उलमा फरमाते हैं जब वो मलाइका मासूम फरिश्ते मुसाफा करते हैं तो जिससे मुसाफा हो रहा है उस बंदे खुदा के जिस्म के ऊपर एक कपकपी शुरू हो जाती है, वो कपकपी शुरू होती है और उसकी आंखों से आंसू बहना शुरू कर देते हैं। तो अल्लाह फरमाते जमीन पर तुम क्या करने जाते हो? वो अर्ज करते मौला हम तेरे बंदू से मुसाफा करना जाते हैं, हम मिलने के लिए जाते हैं, गोया हम उनकी जियारत करने के लिए जाते हैं। पता ये चला कि मलाइका आज इस रात में अल्लाह के बंदू की जियारत करने के लिए जमीन पर आते हैं। साल भर वो गोया इंतजार करते हैं, आज की रात वो इस जमीन पर आके अल्लाह के बंदू से मुलाकात करते हैं। आखिरी बात यह कहूं कि सूफिया किराम ने फरमाया कि ठीक है ये रात बरकत वाली है कि इसी रात में कुरान नाजिल हुआ या इसी रात में जिब्रील अमीन तशरीफ लाए रूहुल अमीन वो दीगर मलाइका, मगर वो फरमाते हैं उस रात को भी नहीं भुलाना चाहिए। फरहान भाई ये जुमला आपकी तरफ होगा, इस रात को नहीं भुलाना चाहिए। कौन सी रात? जिस रात में कुरान नहीं बल्कि साहिब कुरान तशरीफ लाए। सुभान अल्लाह। यकीनन इश्क और मोहब्बत की बात यही है कि आकाए दो जहां सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तशरीफ ना लाते
तो यकीनन ना हमें कुरान मिलता, ना हमें ये इरफान मिलता, ना हमें ये पाकिस्तान मिलता। ये सारा सदका है, तो गुम्बद खजरा के बकी का सदका है, रहमतुल्लिल आलमीन का सदका है, आकाए दो जहां सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का सदका है, हुजूर नबी रहमत ये जान आलम कि हमें ये सारी नियमतें इसी शबे कदर के हवाले से मिली और हुजूर के सदके से मिली। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जजाक अल्लाह मुफ्ती इकबाल लक्ष्मी साहब। आप चलते हैं मौलाना अमीन शहीदी साहब की तरफ किबला, क्योंकि आज क्योंकि वक्त आप तमाम उलमा के हिसाब से जो हम मौजू रखते हैं, मैं अक्सर ये कहता हूँ, बल्कि रोज़ ही ट्रांसमिशन में मैं कहता हूँ कि आप जैसे उलमा के लिए ये 10 मिनट नहीं बल्कि अशरों पर बात होनी चाहिए। ये मौजू इतना बड़ा है कि आप तमाम हजरात पूरे पूरे अशरे भी पढ़ें तो भी हम फैज़याब मुकम्मल तरीके से नहीं हो सकते, हम तिश्नगी हमारे अंदर बरकरार रहेगी क्योंकि इल्म की तिश्नगी तो रहती ही है। मैं चाहूँगा कि मकाफात अमल के हवाले से कुछ रोशनी डालिए अमीन शहीदी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए कुरान करीम ने हमें बड़े खूबसूरत अंदाज में समझाने की कोशिश की है। कुरान कहता है कि फमन यअमल मिसकाल ज़र्रतिन खैरन यरहु वमन यअमल मिसकाल ज़र्रतिन शर्रन यरहु। जो इंसान जर्रा बराबर नेक अमल अंजाम देता है, उस नेक अमल को जिसने जर्रा बराबर किया है उसको वो अपनी आंखों के सामने पाता है, और इसी तरह से अगर उसने शर जर्रा बराबर अंजाम दिया हो उसको भी अपने सामने पाता है। इसी तरह से एक और आयत में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि यौम तजिदु कुल्लु नफ्सिन मा अमिलत मुहज़रा। एक दिन ऐसा आएगा जब इंसान अपने किए हुए अमल को अपनी आंखों के सामने हाजिर पाएगा। बिल्कुल, ये आया अगरचे आलम आखिरत के हवाले से। अब मुकाफात अमल यानी अमल का रद्द अमल होते रहते, ये दो तरह से। एक ये है कि एक अमल कहता है जिसका नतीजा इंसान को इस दुनिया में भी मिलता है और उस दुनिया में भी मिलता है। एक अमल ऐसा है नहीं जिसका अजर शायद इस दुनिया में ना मिले, अमल इस दुनिया में ना मिले लेकिन उस दुनिया में जज़ाकअल्लाह, क्योंकि वो दुनिया हिसाब और किताब की दुनिया है। लेकिन बाज़ोक़ात अल्लाह तबारक व तआला इस दुनिया में भी इंसान को बेदार करने के लिए जय करने के लिए उसके किसी अमल का रद्द अमल उसको दिखाता है। इस बात से जब हम अपनी इस जिंदगी की अमली शक्ल को देखेंगे तो हमें बहुत सारी चीजें अपने इर्द गिर्द नजर आएंगी। आप उर्दू में एक मुहावरा इस्तेमाल करते हैं, जैसा करोगे वैसा भरोगे। आप अगर अपने वालिदैन की खिदमत करेंगे तो आपके बच्चे आपकी खिदमत करेंगे। आप अगर अपने वालिदैन की इज्जत और उनका एहतराम करेंगे तो आपके बच्चे आपकी इज्जत और आपका एहतराम करेंगे। बिल्कुल, ये असल में वही अमल है जिसका आपको रद्द अमल अपनी अगली नस्ल से मिल रहा है। इसी तरह से आप अगर किसी को नेक गुफ्तार के जरिए से, नेक किरदार के जरिए से किसी को फायदा पहुंचाएंगे तो वहां से आपके लिए जो वेव जो आपको सिग्नल मिलेंगे वो भी इंतहाई नेक होंगे और आपको मुतासर करने वाले होंगे। लेकिन अगर उसके बरक्स आप करेंगे, बुराई करेंगे तो उस बुराई का जो असर होगा वो भी इंतहाई। इंसान की फितरत पाक फितरत है। इस पाक फितरत के हवाले से जब आप कोई नेकी अंजाम देते हैं तो आपके अंदर की दुनिया से ही उस नेकी का जवाब आपको मिलता है। वो जवाब है आपका पुरसुकून होना, बिल्कुल मुतमईन होना। इसलिए नेक काम चाहे कोई भी हो आपके जमीर की आरामिश और इत्मीनान का बायस बनता है। लेकिन उसके मुकाबले में जब कोई आप ऐसी हरकत ऐसी एक्टिविटी करते हैं जिसमें नेगेटिविटी हो, जिसमें किसी फर्द बशर का नुकसान हो, किसी मखलूक का नुकसान हो, आपका नहीं हो तो नतीजा क्या होता है? आपका अपना ज़मीर आपको बता रहा होता है कि आपके अंदर बेचैनी शुरू हो गई और इज़्तिराब शुरू हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। लिहाजा ये जो दुनिया है ये मौलाना रूमी के बकौल, मौलाना रूमी जाहिर है बहुत बड़े आदमी है, जी जी, वो कहते हैं कि ये दुनिया जो है एक मैदान की तरह से है और इंसान का अमल जो है एक पहाड़ की तरह से है। सुभान अल्लाह, जज़ाकअल्लाह, जज़ाकअल्लाह। पहाड़ के दामन में खड़े हो जाए और आवाज दे तो आपकी आवाज पहाड़ से टकराकर वापस आपकी तरफ एक दफा नहीं आती बल्कि बार बार, बार, बार आती है। तो ये दुनिया ऐसी ही दुनिया है, यहाँ पर अगर आप नेक अमल करेंगे तो उसकी गूंज वापस आपको सुनने को भी मिलेगी और असर भी आपको मिलेगा।
बुराई करेंगे तो वो भी इसी तरह है, उसी तरह से वापस आपकी तरफ पलटेगी। यानी अगर इसको एक जुमले में ये कहा जाए कि जैसी करनी वैसी भरनी, वही काटेंगे। अमीन शहीद साहब, आपका बहुत शुक्रिया। अब हम मुफ्ती इकबाल नक्शबंदी साहब के भी इस हवाले से कुछ राय हासिल कर लेते हैं, तमाम लोगों की रहनुमाई हो सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, अरबी का एक मुहावरा है, जैसे अल्लामा शहीदी साहब फरमा रहे थे, अरबी में इसको वो यूँ कहते हैं कि वो जैसा करोगे वो वैसा भरोगे। मिसाल के तौर पर, वल असर इन्नल इंसान लफ़ी खुसर इल्लल्लज़ीन आमनू व आमिलुस सालिहात। मुझे ज़माना महबूब की कसम है कि इंसान खसारे में है, मगर सारे इंसान नहीं, वो जो ईमान लाए और अमल अच्छे किए। यानी यहाँ जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो मैं यही कहता हूँ कि आज भी अगर दुनिया में हम अच्छे अमल करें तो आखरत में यही अमल हमारे काम आएंगे। आज हम बड़ों का अदब करें, ईसारे सवाब करें, फातह करें, ख़त्म खाजगान पढ़ें, कमा दीनो तदान, तुम जैसा करोगे वैसा भरोगे, तो यहाँ भी अच्छा होगा वहाँ भी अच्छा होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुफ्ती इकबाल नक्शबंदी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत कम वक्त में बहुत ज़्यादा चीज़ें हमें समझा देते हैं, और यही अल्लाह ने आपको ये सलाहियत अता फरमाई है। और मैं मुफ्ती इकबाल नक्शबंदी साहब के साथ साथ मौलाना अमीन शहीदी साहब, आपका भी शुक्रिया अदा करूँगा कि आप हमारी ट्रांसमिशन में आए, और हमारी इस बज़्म में आपके आने से, आप दोनों उलमा के आने से रौनक बढ़ गई। नाज़रीन, आते मुख्तसर से वक्फे के बाद हमद नात की महफिल का सिलसिला शुरू होगा। कौन नात खान हमारे साथ मौजूद होंगे, इनका तारुफ हम मुख्तसर वक्फे के बाद कराते हैं। देखते रहिए बरान रहमत। Oh, oh, oh।